नाइट्रेशन ऑफ फिनोल के बात करते हैं, यानी नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन की जगह अब हम बात कर लेते हैं फिनोल। तो नाइट्रेशन ऑफ फिनोल में अगर आप OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो आप HNO3 डाइल्यूट भी ले सकते हैं, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। और इस जगह अगर आप देखते हैं तो रूम टेम्परेचर पे भी आपको NO2 और यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, OH NO2, यानी OH NO2, यानी आपको ऑर्थो और पैरा दोनों मिलेगा। ये ऑब्वियसली मेजर होगा या माइनर होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है स्टेरिक एंड्रेंस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि हमारे पास दोनों मिलेंगे अभी तो, लेकिन अगर आपने यहाँ पर OH HNO3 कंसंट्रेटेड रख दिया, क्या रख दिया, कंसंट्रेटेड, तो नाइट्रेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा और OH NO2 NO2 NO2, यानी ऑर्थो और पैरा तीनों पे मिल जाएगा अगर आपने कंसंट्रेटेड HNO3 रख दिया इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। वो कैटलिस्ट का काम कर रहा है एक तरह से आपके लिए। यहाँ इसका नाम क्या होगा, पिकरिक एसिड। क्यों मैं इसको पिकरिक एसिड बोल रहा हूँ, क्योंकि इसकी Ka की वैल्यू बेंजोइक एसिड से भी ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए मैं एसिड्स में यूज़ कर रहा हूँ इसको, काफ़ी एसिडिक है। दूसरा, इसका IUPAC नेम क्या होगा, नंबरिंग यहाँ से करी जाएगी, क्योंकि OH सीनियर ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6, आप नंबरिंग यहाँ से नहीं कर सकते, तो एक तरह से क्या हो जाएगा, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजीन नहीं होगा, फिनोल होगा। लिखें इसको, देखो अगर हम बात करते हैं यहां पर नाइट्रेशंस ऑफ एनिलीन, एनिलीन में क्या देखते हो, एनिलीन अपने आप में क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, लेकिन अगर आप इसको HNO3 के साथ करते हो और कंसंट्रेटेड है, तो इन एसिडिक मीडियम में अब आप कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो आपको यहां पहले देखना पड़ेगा कि एनिलीन अपने आप में एक बेस है और H प्लस के साथ वो क्या बना लेगी, NH एनिलीनियम आयन, इसको बोलेंगे एनिलीनियम आयन, जो कि अपने आप में अब प्लस चार्ज रख रहा है, क्या रख रहा है, प्लस चार्ज। तो इससे स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन जाएगा। तो अब स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप बन रहा है ये एसिडिक मीडियम में, तो अब हमारे जो प्रोडक्ट बनेंगे, यानी कि इस जगह NH2 अगर आप ले रहे हैं और HNO3 ले रहे हैं, तो जैसे जैसे HNO3 की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, आपका मेटा बढ़ेगा, और नॉर्मल कंसंट्रेशन मतलब डाइल्यूट कंडीशंस में तो आपको NO2 तीनों जगह मिलेंगे, इस जगह NH2 मेटा पोजीशन और NH2 पेरा पोजीशंस। भाई मैं मान लेता हूँ ये मेरे पास लगभग कितना बन रहा है, 51%, एक अप्रोक्सीमेट डाटा ले रहा हूँ मैं, ये मेरे पास 48% और ये मेरे पास लगभग 3%। ये काफ़ी कम होगा, क्यों, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट के ऑर्थो पोजीशन पे बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट होगा। तो मेजर आपका भले ही इस जगह दोनों ही मेजर रहेंगे, एक तो आपका मेटा ग्रुप भी रहेगा और दूसरा ऑर्थो मेटा पेरा पेरा भी रहेगा।